ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ? ਆਹੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾ ਨੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਜ਼ੂ ਟੇੜੇ ਕਾ ਟੇੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਸਰ ਉਹ ਬੀ ਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਮਦਰ ਟ੍ਰੇਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਓ ਨੋ, ਮੈਂ ਖੰਬੇ ਪੇ ਇਸ ਲਈ ਚੜ ਗਿਆ ਹੂੰ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਮਝ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਸਰਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਜ਼ੂ ਟੇੜੇ ਕਾ ਟੇੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। यानी क्या कहना चाहती हैं कि तराजू कहां से टेढ़ा है कहां से सीधा है? यानी अगर इनके हक में फैसले आए तो तराजू सीधा है, और अगर इनके हक में फैसले ना आए तो तराजू टेढ़ा है। ते शुक्र करे खंबा टेढ़ा नहीं हो रहा, नहीं तो मैं भी टेढ़ा हो जाना सी। आज मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। कह रही है कि तराजू टेढ़े का टेढ़ा ही, अभी सीधा नहीं हुआ। क्यों नहीं सीधा हुआ? कौन सा तराजू जो इनके सीधा नहीं हो रहा? ये तो मुझे पता नहीं है, देसी आदमी हूँ, इस चीज का बता नहीं। आदमी हो चली तराजू सीधा है या टेढ़ा है? सीधा है। ते ऐ स्टाइल है बखियां दे हाथ रख दे। आहो पांचो खजा हालात हो गए बखिए कि हुन लग लग ते भी आई ने। नाम क्या सर आपका? नजर हुसैन। नजर हुसैन, अल्लाह तआला नजरे बद तो बचावे। हां जी, नहीं मैनु लगे ना लगे मुल्क नु लग रही जी। सही गल है, नजर लग भी नहीं सकती। हां नहीं मन लग नहीं सकती। सही गल है, तुहानू ते यार दोस्त अपने नाल रखदे ने कि सानू नजर ना लगे। नहीं कोई ऐसी गल नहीं, अब तो तुहानू मैं भी नाल रख लांगा। सर नजर भाई क्या कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि तराजू टेढ़े का टेढ़ा ही है, सीधा नहीं हुआ। सर वो बी पेयर होना है ना, क्योंकि इन्हों का तराजू बस सीधा वे, बाकी और किसी का सीधा नहीं है। और किसी का सीधा मैं आपको आप नहीं है तो तराजू कितों होना है? तराजू कितों होना है? बिल्कुल सही है, इनका तराजू सीधा है। आज से 10 से 15 दिन पहले ऐलान हुआ था जी, 70 रुपए पेट्रोल कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? सुबह में उठे 3 रुपए और महंगा होया। क्या पैगाम है मरियम नवाज साहिबा को? उन्होंने तो यही पैगाम है कि तू भी मिला इमरान खान की कोर ब्याह करा ले। एक ब्याह और? हां एक और ब्याह करा। मैं नहीं कह सकता केड़े तराजू टेढ़े करी जाने। यानी इन्हां दे हक च फैसले आ जांदे सीधा है, ते अगर ना आवे ते टेढ़ा है। बहुते पैसे आ जांदे दिमाग खराब हो जांदा। अबू दा ना अकाउंट नहीं लभ रहा। ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਦਰ ਟ੍ਰੇਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿੱਗ। ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਦਾਇਤ ਸਰ ਕੈਸੇ ਆਪ? ਦੁਆਏ ਆਪ ਕੇ ਆਪ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਆਦਮੀ ਆਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਸੀਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਜੇ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੱਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਉਹੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਮਰੀਮ ਕੈਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਨਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਤੋ ਇਹ सीधा तराजू, और अगर ना आए तो टेढ़ा है। बस वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, तो उन्होंने तो सियासी बयान ही देना ना, वो ये नहीं देखेंगे कि इसके मतलब लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। वो तो सही बात, वो सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि सियासी फायदा उनको कहाँ पे हो रहा है। तो क्या पैगाम है मरियम नवाज को? कि लीगल सिस्टम पे आप ट्रस्ट करें और पॉलिटिक्स को ज़रा साइड पे रखें। हाँ, और मतलब हमारा लीगल सिस्टम ही अगर मजबूत होगा तो ही सब कुछ होगा। वेरी गुड, सही बात, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर बयान नहीं हो रहा। शेर सुनाओ। दसो केड़ा शेर सुना? मैं आंदा ही नहीं शेर। है नहीं आंदा? की नहीं आंदा? शेर नहीं आंदा। तेन तो नींदर भी नहीं आंदी। लोगों का देना ही इन्ना सारे, जो जेब कट के ले जानी मनू नींद कितने आनी। क्या नाम है आपका? कामरान विक्की। कामरान मेरा पुत्र है। अच्छा, क्या कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि तराजू अभी टेढ़े का टेढ़ा ही है, सीधा नहीं हुआ। यानी इनके हक में फैसले आए तो तराजू सीधा है, अगर ना आए तो टेढ़ा है। ये क्या मामला है यार? तो नहीं ना सही फैसला किया होना ता ही तो कह रही अगली सही तराजू टेढ़ा है। ले अगली खाला दी पुत्री है अगली। कोई पैगाम दे दे मरियम साहिबा को। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर
उन्होंने फैसला सही नहीं किया तो दूसरी अदालत में चले जाएं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना? कभी तुसी देखी है बोतला खोलने वाली चाबी? आहो ओ देख रहा नाक हो गया था। इनके हक में फैसला आए तो तराजू सीधा है, अगर ना आए तो तराजू टेढ़ा है। बस ऐसे ही है, पिछले 35 सालों से जितना इन्होंने मुल्क को लूटा है आप लोग सब देख ही रहे हैं। यानी 35 साल पहले भी बिजली जाती थी, अब भी जा रही है, पिछले 3.5 सालों में तो बिजली कोई नहीं गई। बताइए ना, इस सवाल का जवाब बताए। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले भी सैलाब आते थे, 3.5 साल में तो सैलाब नहीं है, अब फिर सैलाब आ गए। क्या वजह? सही बात है। आप ये देखें ना कि 35 साल से लोगों को क्यों नहीं होश आती कि कितना इन्होंने मुल्क को लूटा। अभी इमरान खान आया था, एक सही डायरेक्शन पे चल रही होती कौम पूरी, ठीक है ना? यानी कि आप देखेंगे कितनी एक्सपोर्ट हुई थी पूरे मुल्क में, तो अब जो है ये सारी चीज़ें डाउन जा रही हैं। अब आपने देखा ये सारा कुछ? बिल्कुल सही बात है। तो क्या पैगाम है मरियम नवाज साहबा को? बस अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत है। यानी ये अगर कहते हैं जी कि इधर से भीख मांग लो उधर से भीख मांग लो, ये जो मुल्क से पैसा लूट के गए हैं यही पैसे वापस ले आए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और यकीन जाने लोग बड़े शरारती हैं, मैंने ना वो टिकटॉक बना दी है लोगों ने। अच्छा। वो राजनपुर जो गिरी है इसे मरियम नवाज साहबा, तो नीचे लिखा हुआ है झूठ, स्टेज ने भी झूठ बर्दाश्त नहीं किया। ये इनकी करनी भरनी है, ये जो है ना वो कहते हैं ना उसको कि इनका मकाफात अमल हो रहा है, इनके मकाफात अमल हो रहा है। जो लोग इनके ऊपर अभी भी भरोसा करते हैं ना, ये इन सबको नजर आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि ये जिनको अभी भी इनसे उम्मीद थी कि ये अब जो हालात हो रहे हैं ना मुल्क के, ये इनको पता चल रहा है कि जिन लोगों को अब भी उम्मीद थी अभी भी ये होश के नाखून रहे कि जो भूल जाए इनको, जितना इन्होंने मुल्क को लूटा, जितना इन्होंने खाया, जितना इन्होंने बर्बाद किया, तोबा तोबा, यानी कि कुछ लेना देना नहीं होता। लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए, मरियम नवाज साहबा हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे पे हंसी लेकर आना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पे यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ साथ है, तराजू में नहीं, तराजू में।